मुरादाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रेती स्ट्रीट में श्री देव गुरु बृहस्पति जी महाराज के मंदिर में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बताते चलें कि दो वर्षों के बाद श्री देव गुरु बृहस्पति जी महाराज का वार्षिक उत्सव बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया गया। 18 मई को भव्य शोभा यात्रा निकालने के साथ 19 मई को हवन पूजन के साथ विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया। मंदिर प्रांगण में सुबह के सत्र में हवन और दोपहर के समय में विशाल भंडारा आयोजित कराया गया। शाम के सत्र में दीप प्रज्वलन व विशाल आरती कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। गुरुवार को श्री देव गुरु बृहस्पति जी महाराज का 32वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान मंदिर प्रांगण में विशाल हवन आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में पहुंचे सभी भक्तों ने इस हवन में भाग लिया। हवन के बाद मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारा भी आयोजित कराया गया। साथ ही सभी ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंदिर संरक्षक मिथिलेश शर्मा, विष्णु दत्त शर्मा, नानू रवि शर्मा, विशाल शुक्ला, अनिल गुप्ता, साईं अमित शर्मा, राजू रजत शर्मा, पूनम शुक्ला, मुन्नी देवी, अनीता, नीति शर्मा, रूपाली गुप्ता, चंदना गोयल, सीमा शर्मा, वंदना गुप्ता, अंजना शर्मा आदि भक्तजन उपस्थित रहे। सिटी चैनल से बात करते हुए मंदिर में पहुंचे भक्तों का ये कहना था कि हम यहाँ कई वर्षों से आ रहे हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं यहाँ पर पूरी होती हैं। मंदिर की मान्यता है कि अगर यहाँ पर 40 दिन तक बृहस्पति देव के चिराग चलाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और मेरे को यहाँ 20 साल हो गए बृहस्पति देव से जुड़े हुए, तो 20 साल से मैं यहाँ पर आती हूँ और रोज ही आती हूँ। मैं तो 20 साल से जानती हूँ मंदिर को और डेली आती हूँ। मैं सिविल लाइन से आती हूँ और बाकी MDA से और मंडी चौक से काफ़ी सारे सर्राफ आते हैं, तो इसलिए आप लोग यहाँ आए अपनी मनोकामना के लिए, यहाँ पर चिराग जलाएं 40 दिन के। गुरु माता जी का ये कहना था कि सभी भक्तों का सहयोग रहा है और यहाँ पर कार्यक्रम पूरी तरह सफल हुआ है, जिसके लिए सभी को शुभकामनाएं हैं। ये 32वां वार्षिक उत्सव है देव गुरु बृहस्पति जी महाराज का। इसमें मनोकामना के मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर कल बुधवार 18 मई को यहाँ आई। आज 9 बजे हवन हुआ, अब ब्रह्म भोज चल रहा है, अब भंडारे की तैयारी है। शाम को सत्संग होगा, शाम को सत्संग है, आरती है और दीप प्रज्वलित होंगे मनोकामना के। ये 2 वर्ष के बाद कोरोना वायरस की वजह से। पंडित विष्णु दत्त शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में सभी ने सहभागिता दिखाई है और काफी वर्षों के बाद ये कार्यक्रम भव्य रूप से यहाँ मनाया गया है। ये देवगुरु बृहस्पति जी महाराज का मंदिर है, प्राचीन, यहाँ 150 साल पुराना मंदिर है। यहाँ बृहस्पति देव भगवान हाथी पर सवार हैं, चार भुजाएं हैं, बृहस्पतिवार को पूजा होती है। यहाँ मनोकामना के दीपक जलाए जाते हैं, जो भी भक्त अपने घर से यहाँ मनोकामना के दीपक जलाता है और अपने घर ले जाता है, गुरुदेव भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये बृहस्पति दक्षिण मुखी हैं, यहाँ पर जो भी आकर 40 दिन के दीपक जलाता है उसकी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। मेरा विश्वास है कि इनके चरणों के जल से सभी के कष्ट दूर होते हैं। एक बार दर्शन देखकर गुरुदेव भगवान को माथा टेकना है, उसके बिगड़ी गुरुदेव खुद ही बनाते हैं। बोल साचे दरबार की जय। ये 32वां वार्षिक उत्सव है, 1990 में वार्षिक उत्सव प्रारंभ हुआ, आज 2022 चल रहा है। देवगुरु बृहस्पति जी महाराज का 32वां भव्य महोत्सव मनाया गया है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग आकर गुरुदेव का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये प्राचीन देवगुरु बृहस्पति जी महाराज 150 वर्ष प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जो प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है वो सभी भक्तों को वितरित भी किया जाएगा और सभी भक्तों से निवेदन है कि शाम को 3 बजे अपने परिवार हेतु दीपक जलाकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये 2 वर्ष COVID-19 की वजह से उसे सूक्ष्म रूप में मनाया गया, लेकिन अब COVID-19 की खत्म होने के बाद आज गुरुदेव भगवान का बहुत विस्तार रूप से, बड़े रूप से गुरुदेव का भंडारा कर रहा जा रहा है और सभी भक्तों का सहयोग, अधिक से अधिक संख्या में लोग आए हैं। यहाँ पे सभी माननीय सभी मेरे लिए भक्तगण उपस्थित हैं और भंडारा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं।